now. So there were those five people who were into the business at that time were looking out of the job. It's because they thought there was no future for DJs in India. So they were looking at other jobs to do. And that's when I came in, just by a coincidence. And I thought that it's a brilliant form of art. DJing is an art. It's not just somebody who just stands there and plays music. And then I learned it on my own. A few months of learning, I thought to myself that I should be definitely getting सिखाने के लिए नया मौका भी है, दस्तूर भी है, बच्चे भी कुछ सीखना चाहते हैं. वेल मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं चाहूँगा कि ऐसे और ओकेजन्स हों जहाँ पर और भी लोगों को जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, डीजेइंग के फील्ड में, उनको बुलाया जाए. इनको इन सब को बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर कोई गुरु नहीं है. बहुत कम लोग हैं, गिनती के कम 6 या 7 या 8 लोग होंगे सारे हिंदुस्तान में जो इस प्रोफेशन को का जो झंडा है उसको लहरा रहे हैं. बहुत कम रोल मॉडल्स हैं इंडिया के पास, बहुत कम है. तो ये बहुत ज़रूरी है जो ये कर रहे हैं लाइव वायर, जो ये जो कदम उठाया है ये बहुत ही ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात है. मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इन सारे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का एक मौका मिला, एक चांस मिला है. और मैं चाहूँगा कि मैं और ऐसे अटेंड कर सकूँ ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे क्लासेस जिसमें कि मैं मुझसे कुछ कोई और सीख सके. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी और को कुछ सिखाऊं जो मैं जब इनकी उम्र का था या इनके स्टेज पे था जो मुझे सीखने को नहीं मिला. तो मुझे इंडिया के बाहर जाना पड़ा और बहुत मुसीबतों से, बहुत स्ट्रगल करके मैं पहुंचा हूं जहां आज या मैं खड़ा हूं. डीजे की अगर बात करें, कितनी मार्केट है बॉलीवुड में या फिर इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे? मार्केट मतलब प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है डीजे का? फिलहाल जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ही छोटा सा है, बहुत कम है. रिकग्निशन एक डीजे को इतनी नहीं मिली है जितनी कि मिलनी चाहिए. बिकॉज़ मुझे ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक डीजे जो होता है वो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, उसको प्रमोट करता है सारे दुनिया में. मैं एज अ डीजे अकबर समी पूरी दुनिया घूमता हूँ और हमारी जो म्यूज़िक है उसको प्रमोट करता हूँ. हमारी फिल्मी म्यूज़िक, हमारी जो धार्मिक म्यूज़िक है उसको प्रमोट करता हूँ वहाँ पर. तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि एक आदमी जो है वो सारी दुनिया में. मेरा US टूर होता है हर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी अक्टूबर में मैं जाऊंगा US टूर के लिए. तो हम वहाँ पर इंडिपेंडेंस करते हैं अगस्त में, 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट करते हैं वहाँ पर. मेरा पहला ट्रैक होता है वंदे मातरम और वहाँ पर हज़ारों में लोग आते हैं, उनकी आँखों में आंसू रहते हैं बिकॉज वतन से अपने दूर होते हैं वो. तो ये इवेंट पर आते हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते हैं और एक उनको एक ऐसा एहसास होता है कि एक टच होता है हिंदुस्तान से. तो फिलहाल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है बिकॉज प्रॉब्ली मीडिया और जो हमारी इंडस्ट्री है उन्होंने इतना रिकग्निशन नहीं दिया है. लेकिन फिर भी आप देखेंगे आज के हर फिल्म एल्बम के अंदर आप देखोगे कि देयर विल बी अ रीमिक्स बाय डीजे सो एंड सो. तो है ज़रूर, लेकिन उसको इम्पॉर्टेंस और फोरफ्रंट पे नहीं ले आया. और मैं चाहूँगा कि ये बात हो. आपका जो सवाल था बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है मिलना इन सब के लिए, इन सब के फ्यूचर के लिए. अकबर शमी की बात करें तो अगर बाहर से कोई डीजे आता है उसके होर्डिंग लगते हैं बड़े बड़े इंडिया में, 2-6 महीना पहले उसके बुकिंग चालू हो जाती है, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से ले जाया जाता बाहर. जी ये चीज़ अपना जब इंडियन बाहर जाता है जी, तो ये चीज़ें उनको नहीं मिलती. जी इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से हमारे देश में अब इस वक्त फ़िलहाल ऐसा टैलेंट है जो वो जो लोग बाहर से आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं उनसे बेटर कर सके. और ये मैं बहुत जी मिलता नहीं है बिकॉज फिर हम आपकी जो पहला सवाल था उस पर चले जाएंगे कि उनको प्लेटफॉर्म इतना नहीं दिया गया, मीडिया ने उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया. हम फोर फ्रंट में नहीं है डीजेइंग इंडस्ट्री के अंदर. वो प्लेटफॉर्म देना तो किसी और इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री भी है, मीडिया भी है. मैं सिर्फ मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ सर, हर जो इसका रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो इंडस्ट्री हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उनको भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अगर उनको अपने एल्बम के अंदर उनके गाने डाल रहे हो और उनका नाम दे रहे हो तो उनको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दे दीजिए ना, उनको फोर फ्रंट में लाइए. सिर्फ लिखने से एक छोटा सा रीमिक्स बाय सो एंड सो डीजे वो एक कम्प्लीशन नहीं होता.
एक डीजे इज एन आर्ट फॉर्म लाइक आई सेड बिफोर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आर कंट्री दैट वी मस्ट प्रमोट दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म इज बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड टुडे एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. अकबर समी की बात करें तो बहुत दिनों से खामोश है वो कहा, और मेरे जो एल्बम जो मेरा एक ड्रीम था जलवा उसको रिलीज़ करने के लिए, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री को उस वक्त समझ में नहीं आया. तो हम हमेशा इन चीज़ों में जैसे कि मैंने पहले कहा फॉलोअर्स हुए हैं, तो वो एक रीमिक्स बॉलीवुड बाली साहू ने की थी चुरा लिया जो कि लंदन में हुआ था, तो जब वो हुआ तो फिर इनकी आंखें खुली कि अरे रीमिक्स कुछ है अच्छा वो अकबर ने किया था. तो फिर वो मेरा एल्बम नाना हाँ 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 नाना करके रिलीज़ हुआ. रिलीज़ होने के बाद उसको इतना प्यार मिला कि वो 7 हफ्ते नंबर 1 पोजीशन पे था एमटीवी चार्ट्स पे, और उसके बाद ये सारी इंडस्ट्री शुरू हुई. और शुरू ऐसे हुई कि हर कोई लाइक मेरा जो हारमोनियम वाला और तबला वाला जो था वो भी रिमिक्स बनाने लग गया. तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट गया क्योंकि लोग जो इस फॉर्म को नहीं जानते वो इस चीज़ को कर रहे थे, और वो करते करते उन्होंने क्या किया कि अच्छा ट्रैक ठीक नहीं है तो एक काम करते हैं वीडियो बनाते हैं नंगी लड़कियों को लेकर साथ में, तो एटलीस्ट वहाँ पे ध्यान जाएगा तो शायद वो ट्रैक हिट हो जाए. ये होने लगा तो उस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ फिर से. बात करें जी, एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया में, किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, म्यूजिक कंपनियाँ, वो कितना मुश्किल है उनके गाने वाने बजाना या फिर उनको हर ट्रैक पे बात होती है तो उनको डीजे को पता था कि आपने क्यों परफॉर्म किया इसके ऊपर गाने के ऊपर, हम राइट्स लेते हैं ना, रॉयल्टी देते हैं, राइट्स लेते हैं उसका. हाँ वैसे ही, बट यूट्यूब पे बहुत होता है कि कोई भी सॉन्ग्स को रिमिक्स कर दिया जाता है किसी डीजे के द्वारा. नहीं नहीं नहीं, अभी जो 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 लोग कर रहे हैं वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट करने के लिए, फॉर एग्जांपल डीजे बख्तियार है तो उसने अपना एक टैग लगा दिया उसके ऊपर, वो अनऑफिशियल है, वो ऑफिशियल नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स जस्ट. क्या होना चाहिए एक परफेक्ट डीजे के लिए आपकी नज़र में? क्या मेरे ख्याल से म्यूजिक कंपनी को इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेकर उनको टाई अप करना चाहिए इस तरह के इंस्टीट्यूट से, लाइव वायर जैसे इंस्टीट्यूट है उनसे, और उनको ये कहना चाहिए कि अगर आप चाहो और अगर आप समझते हो कि सो एंड सो बंदे हैं इन सारों में से 4 या 2 या 3 या 1 जो इस काबिल है कि वो एक जस्टिस कर सके एक रीमिक्स को. रीमिक्स क्या है कि इंडिया में हम लोग ने इसको ये सवाल को अब मैं थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूँ कि एक बॉलीवुड जो हिंदुस्तानी एक गाना ले लिया उस पर वेस्टर्न बीट डाल दिए उसको रीमिक्स हम बोलते हैं, वो रीमिक्स नहीं है, वैसा नहीं है. आपको जो गाना है उसका जो फैमिली उसका जो जॉनर है वो समझना बहुत ज़रूरी है. Can you stop that music? So, वो जॉनर समझकर उसकी फैमिली जगह वो बिलोंग करता है उस तरीके का म्यूज़िक उस पर्टिकुलर गाने के ऊपर देना ज़रूरी है कि वो इस तरीके का गाना है. मेरे गाने क्यों हिट इतने होते थे, इस वजह से होते थे क्योंकि मैं जॉनर जो गाने का है उसको छोड़ता नहीं था. आशिक बनाया आपने, जस चल झलक दिखला जा, जरा झूम झूम, 36 चाइना टाउन, जलवा, रात बाकी, डगला लागली कड़ा, ये सारे नंबर वन हिट्स हैं. और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप जो भी काम करो एक सोच समझ के अपनी अक्ल से थोड़ी एक्सपीरियंस लेकर फिर करो. अब मैं कोई भी काम एकदम से झटके से कुछ भी करूँ, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, यू नो आप सडनली कुछ भी नहीं, आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, फोकस करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. हाँ मेरे ख्याल से मेजर रिकग्निशन मुझे मेरे एल्बम के बाद मिला, जलवा के बाद, जलवा 1 जलवा 2 जिसमें रात बाकी और जो मराठी गाना था डगाला लागली कड़ा वो मैंने किया, जो कि रिजेक्ट हो गया था लेकिन ऑफ द स्टूडियो आवर्स में उस पर काम करता था, और जब वो रिकॉर्डिंग कंपनी वाले लोग ने सुना गाना तो फिर कहा कि अरे वाह ये क्या चीज़ है एक नया और उसके बाद मुझे रिकग्निशन मिली. जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था इतना जो इस तरह का जो मीडिया अभी इस फिलहाल खड़ा है सामने वो नहीं था, इंटरनेट नहीं था, रिकॉर्ड्स पे म्यूज़िक बजती थी, ऐसा सब सीन था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. अर्जुन जी आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल, आप एक
स्कूल चलाते हैं डीजे का, इसी कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया आपके? ये इंस्टीट्यूट जो है हमने 8 साल पहले स्टार्ट किया। हमने देखा कि जो यंगस्टर्स थे उनको पता नहीं था कैसे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे पर उनमें अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे करें, क्या कोर्स करना चाहिए, कैसे गाइडेंस मिलना चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे ट्रेनर्स लेके आए, सर आज जैसे आए हैं वैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स यहाँ पर आए, स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया और आज हमारे स्टूडेंट जो हैं हर जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने बाकी सारी सिटीज़ में भी अपने ब्रांचेस खोले हैं, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, सभी जगह पे ब्रांचेस खोले हैं। और सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज वो यहाँ पे आए और सब स्टूडेंट्स को इनकरेज करें। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एट लाइव वायर्स टुडे एंड आई वुड डेफिनेटली बी कमिंग ऑफन। थैंक यू सो मच सर एंड वेरी बिग हैंड। यस एंड आई वांट यू गाइस टू लर्न गुड, लर्न मोर, कॉन्सेंट्रेट एंड मेक श्योर that most of you get to where you supposed to go. So it's a pleasure being here. Thank you all you people for supporting this. Without you we can't go anywhere. So it's very I'm very thankful to all of you for having us talk at Live Wires and being here and giving us your time and asking me these kind of questions, and I'm very pleased and thank you very much. Thank you.